विधानसभा के ग्रामीण अंचल कटकोना, हरिउरा और पिपराहा की सड़कों की बदहाल हालत को लेकर कोतवा विधायक ने पदयात्रा निकाली। 20 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में कोतवा विधायक सुनील सराफा के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम साथ चल रहा था। पदयात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक ने राज्य सरकार पर उनकी मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया और सत्याग्रह करने की बात कही। हमारी मांग थी यहाँ की चार पांच सड़कें हैं, खासतौर पे कटकोना से हर्री, कटकोना से पिपराहा, हर्री से उरा, ये कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बहुत जर्जर हालत में हैं। अभी खुद हम जब पदयात्रा में आ रहे थे तो कई जगह हमारी जो डीजे वाली गाड़ी है उसको निकालने के लिए कई जगह फावड़ा चला के हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, और रास्ता ठीक किया तब जाकर के वो डीजे वाली पिकअप निकली। इतनी दुर्दशा है, हम लगातार मांग कर रहे हैं, विधानसभा में उठाया, हमने मुख्यमंत्री से मांगा, कोई सुन नहीं रहा है। ले देकर के हम विपक्ष में हैं, हमें सत्याग्रह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज मैं स्वयं अपने सभी साथियों के साथ इस रास्ते से पदयात्रा निकाल करके हम कोतवा तक जाएंगे और कोतवा में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या, इन तमाम समस्याओं को लेकर एक विशाल रैली करेंगे जिससे यह सरकार शायद चेते और यहाँ की सड़कें बन पाए और हमारे ग्रामीण जनों का जीवन सुलभ हो सके। उज्जैन के बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे